नमस्कार साथियों, आज मित्रता दिवस है और सबसे पहले आप तमाम जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, आप तमाम लोग हमारे मित्र के समान ही हैं, क्योंकि एक मित्र ही दूसरे मित्र का सपोर्ट सहयोग कर सकता है और आप लोग एक सबसे बड़ा उदाहरण है मित्रता के तौर पर, जो आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, एक मित्र को आगे बढ़ने में आप लोगों ने मदद किया है। तो सबसे पहले आप लोगों का दिल से शुक्रिया और मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज है मित्रता दिवस। संडे के अगस्त के पहले संडे में मित्रता दिवस मनाया जाता है। आज हम इस वीडियो में यही आपको बताने की कोशिश करेंगे और अपने शब्दों में बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर मित्रता दिवस क्यों मनाया जाता है और कब से इसका शुरुआत हुआ है। दोस्तों, तो चलिए, लेकिन उससे पहले एक मित्र होने के नाते एक मित्र की बात को आपको मानना बहुत जरूरी है। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने मित्र के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने मित्र के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, अब हम बात करते हैं कि आखिर मित्रता दिवस 2023 में कब मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज ही का वो दिन है जब हम सब मिल करके मित्रता दिवस मना रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने कई लोगों को विशेष भेज दिया होगा, अपने जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे उनको आपने कॉल कर लिया होगा, उनको आपने बधाई दिया होगा, शुभकामनाएं दिया होगा, और कहीं ना कहीं आज संडे का दिन भी है तो जाने का भी प्लान बन रहा होगा। आई होप आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप लोग खूब इंजॉय कीजिए। दोस्तों, अब हम आते हैं टॉपिक पर कि आखिर मित्रता दिवस क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, बात लगभग बहुत पुरानी है, लगभग 1900 ईस्वी में अमेरिका के एक शख्स जो उसका एक बेस्ट फ्रेंड था, उसके एक फ्रेंड को वहाँ की सरकार ने एक बार गोली मार दी और जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, और जो वो दूसरा मित्र था, वो अपने उस मित्र से जिसकी मृत्यु हुई थी, वो उसको इतना चाहता था, उसको इतना प्यार करता था दोस्तों, कि वो जब उसकी मृत्यु हुई, जिसको सरकार ने गोली मार दी, और जब उसकी मृत्यु हो गई दोस्तों, वो दुनिया से चला गया, तो जो वो मित्र था जो जिंदा था और जो अपने मरे हुए मित्र को बहुत याद करता था, वो इतने ज़्यादा सदमे में आ गया दोस्तों कि उसको दुनिया में अपने मित्र के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। और स्वाभाविक सी बात है, आप लोग भी कई ऐसे लोग होंगे जो अपने मित्र से बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों, मित्र ही ऐसा एक शब्द होता है, मित्र ही एक ऐसा दोस्त होता है, मित्र ही ऐसा व्यक्ति होता है जिससे आप अपने जीवन की बहुत सारी सच्चाइयाँ जो होते हैं वो उसके साथ शेयर करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद आपके अपने माता पिता को भी पता नहीं होती है, लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। जीवन में अगर आपको कहीं आगे बढ़ना है या किसी कामयाबी पर जाना है या किसी चीज़ को चुनना है, चाहे वो किसी भी टॉपिक पर हो, आप सबसे पहले माता पिता की तो मदद लेते ही लेते हैं, लेकिन जितना खुल करके आप बात अपने दोस्तों से करते हैं उतना शायद किसी से और नहीं कर पाते। तो दोस्त ऐसा एक शब्द है, एक ऐसा अनमोल रिश्ता है जो कहीं ना कहीं आपकी मदद भी करता है। हाँ, और दूसरी चीज ये भी है कि आपको दोस्ती भी वैसे व्यक्ति के साथ करनी चाहिए जो आपको जीवन में सफल बनाए, जो आपके जीवन को सफल बनाए। दोस्ती रास्ते में चलते चलते आपको कई ऐसे दोस्त मिलते हैं जो कहीं ना कहीं सही भी होते हैं और गलत भी होते हैं। आपको चुनाव करना है, आपको ये देखना है कि हमारा मित्र कैसा है, हमने जिस मित्र को चुना है वो हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण रहता है। क्योंकि दोस्तों देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जीवन के लगभग 2-3 पड़ाव पार कर चुका हूं और अभी एज जो है 32 के ऊपर है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी सीख ये है कि कॉलेज के टाइम में, या यूं कहें कि जब आपकी उम्र 21 से लेकर 25 साल के बीच होती है, तब आपको कई ऐसे दोस्त मिलते हैं जो आपको बना भी सकते हैं और आपको बिगाड़ भी सकते हैं। आपको उस वक्त आपका मन जो होता है, वो कहा जाता है एक सर्वे के हिसाब से कि 21 से लेकर 25 साल के जो उम्र होती है दोस्तों, वो बहुत चंचल होता है, बहुत शरारती उम्र होता है। इसी उम्र में आप जो चीज सीखते हैं, आपको जीवन भर उसी चीज को भुगतना पड़ेगा। यानी कि आप कॉलेज के टाइम में जो चीज को अपनाते हैं, वो आपको जीवन आगे बढ़ने में, अगर आपने सही चीज को अपनाया तो आपके जीवन में वो सही उपयोग आएगा। अगर अभी आपने उसको गलत अपनाया तो जीवन में चलकर अभी आपको गलत नुकसान पहुंचाएगा। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा दोस्तों। दोस्त चुनने का फैसला आपको इसी समय पे करना चाहिए कि आपका दोस्त कैसा होता है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको गलत रास्ते पर लेकर के जाएंगे। जब आप कॉलेज के पहले दरमियान को पार करेंगे, जब कॉलेज पर जाएंगे, तो आपको कई नए चेहरे दिखाई देंगे,
कई नए नए ऐसे शख्स दिखाई देंगे जो कहीं ना कहीं आपको भटकाने की कोशिश करें। कई ऐसी, मतलब मैं मेल या फीमेल इसकी बात नहीं करूंगा, आप समझदार हैं, समझ सकते हैं, कई ऐसे नए रिश्ते भी आपके बनेंगे जो कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रॉय करें। लेकिन दोस्तों, अगर आप अभी 21 से लेकर 25 साल की उम्र में आप संभल गए, तो अब आपको 25 के बाद कोई परेशानी नहीं होगी। ये एक जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। और आज मित्रता दिवस है, मित्र आपको कैसी चुनना चाहिए ये आपके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है दोस्त। क्योंकि दुनिया में माँ बाप के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं होता है। माँ बाप के बाद अगर तीसरा किसी का स्थान होता है तो वो होता है सच्चे दोस्त। सच्चे दोस्त का चुनाव आपको एक सही और सही इरादे के साथ करना चाहिए। मैंने आपको कहा, आपका उम्र जो होता है कॉलेज के टाइम पर, यानी कि जब आप 10th पास करते हैं, 11th में जाते हैं, पार्ट 1 में जाते हैं, पार्ट 2, पार्ट 3 में जाते हैं, तो दोस्तों आपको मित्र बहुत सारे मिलते हैं। आप नए नए कॉलेज में प्रवेश करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो आपको मित्रों की संख्या बहुत मिलती है। इसी में से कई मित्र आपको ऐसे मिलते हैं जो आपको बिगाड़ते हैं, जो आपके नशे के आदि बनाते हैं, आपको मतलब फीमेल के पीछे भगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप अभी इन रास्तों से बच गए, तो फिर जीवन में कहीं ना कहीं, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर आपको नहीं समझा रहा हूं, बस एक बात आपके सामने शेयर कर रहा हूं, आप जो है इस जीवन में सुधार सकते हैं। तो दोस्त का चुनाव आप ऐसा कीजिए जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं अहम रखता है। और आज मैं ये तमाम बातों आपके लिए इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि आज मित्रता दिवस है। मित्रता दिवस के दिन आप दोस्त का इस्तेमाल सही कीजिए, सही दोस्त को चुनिए जो आपको जीवन भर आपके कठिन परेशानियों से उबारने की कोशिश करेगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। मेरे द्वारा बातें कहीं ना कहीं किसी को समझ में आए, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे भी हमारे इस चैनल को देखते हैं। मैंने सोचा आज मित्रता दिवस के ऊपर में आपके सामने एक वीडियो लेकर के आऊं और बताऊं कि आखिर मित्रता दिवस क्यों मनाई जाती है। तो मैंने आपको बताया कि अमेरिका का एक व्यक्ति था जिसका दोस्त था, सरकार ने किसी गलती के कारण उस व्यक्ति पर गोली चला दी और उसकी मौत हो जाती है, जिसको सदमे में आकर उस व्यक्ति इतना ज्यादा गहरा शोक में हो जाता है कि वो मित्र को कभी भूल नहीं पाता है। और उसके बाद सरकार माफी मांगती है और उसके बाद से ये प्रचलन, मित्र को याद करने का प्रचलन जो है वो अमेरिका से ही शुरू हो जाती है। और भारत में भी आज हम लोग मित्रता दिवस मना जाते हैं। और दोस्तों, अमेरिका में तो ये घटना घटा है। अगर आप हमारे पुराणों में जाएंगे, आप हमारे इतिहासों में जाएंगे, तो आपको याद होगा श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती, वो तो बहुत शुरू से चली आ रही है। वो दोस्ती कहीं ना कहीं एक सच्ची मिसाल थी, तो वो हमारे पुराणों में है, वो हमारे भगवत गीता में है वो दोस्ती। तो दोस्ती मुबारक हो। जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं उन तमाम लोगों को दोस्ती एक बार फिर से मुबारक हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक फिर से एक बार आप लोगों को मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलते चलते एक बार और कहूंगा, सही मित्र का चयन करिए, सही मित्र आपको सही रास्ते पर लेकर के जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।